हेलो दोस्तों, तो आज का मैच बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान। तो हमारे साथ है दुबई से अलकुद्दूस। हमारा नाम अलकुद्दूस होती वही होती जो तुम कहते। चलिए टॉस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 2021 2020 चल रहा है और इंडिया और पीएस पाकिस्तान का आज यहां पर मैच होने जा रहा है। और दोनों टीमों के कैप्टन हमारे पास पहुंच चुके हैं, जैसे कि ये भाई पाकिस्तान के और ये इंडिया के। तो दोस्तों, अब अगर इंतजार हो रहा है तो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एम्पायर का। भाई एक घंटा हो गया नहीं खड़ा। तो एम्पायर भी पहुंच चुके हैं। तो यहां पर अभी टॉस होने जा रहा है, देखे किसकी किस्मत क्या खेलती है आज। इंग्लिश या हिंदी? हिंदी हिंदी। कहां रहेगा? ऐसी कितनी ताकत है समझो, ऊपर तक आया ही नहीं वो। अरे इन दिल बाग फेंक दी, पक्षी भी दिल बाग खाड़ लगे लग रहा। अरे अंपायर साहब टॉस फेंको। वो भाई पैसे काट दो पैसे, वो तो खा लिया मैंने। अब पैसे दो जी, पैसे दो भाई। यार भाई मेरे पास पैसे दो भाई। रही हो छोटे देश को। हेड या टेल? हेड। और यहाँ पर इंडिया जीत चुके हैं टॉस। तो हम इंडिया के कैप्टन से बात करेंगे कि वो फील्डिंग करना चाहेंगे या बैटिंग। जी हम बैटिंग करना चाहेंगे पहले। हाँ भाई, हम भी मान नहीं तो क्यों भाई मानना कर रहे हैं, डाल गिर रहे हैं। अजी भाई मानना कैसा इसमें फ्री दिमाग ना खेल भाई, हम भी खेल ले भाई। नहीं भाई मानना हुआ कैसा भाई? सन मुराद गिरो। अरे हेड और टेल भी तो सन मुराद। अरे हमने खेलते हो भाई, मानना हो रहा साहब गिरो खेल। अजी ना इंग्लिश इंग्लिश का नहीं पता, सन मुराद ही खेल। पाकिस्तान तो बाल भी 50 साल पीछे। हम कहीं भी हो भाई मानना करवा रहा है जो। चल कप्तान तो वही जी। कप्तान कहा था वो, हम कप्तान आज तो। चलो निकल भाई निकल। चल भाई। और यहाँ पर पाकिस्तान में आपस में टीम में ही पूरी तानाशाही। और यहाँ जीत चुके हैं पाकिस्तान, जीत चुके हैं। मैं इसको सही नाम फिर देखो, चिरमनाटे लग रहे हैं। वो टॉस जीतती और खुशियां मनाती। टॉस तो सारी दुनिया की देख कर कूद रहा है। मैं बात तो बता। बोलिए। पाकिस्तान में झोटे मिला रखे। कहाँ झोटी? वो देख दो झोटे कैसे कैसे ले फिर रहे। उस हिसाब से तो इंडियन बकरी भी खड़ी है। हाँ तो ना बोले। अरे उधर उधर धोनी भैया। हाँ मेरे हिसाब से ईशांत शर्मा पे करा लो पहला। अरे नहीं, बुमराह को भेज ले। अरे चल बुमराह चलाओ। आशाक्षी बाद में करता हूँ यार। अरे देश की इज्जत का सवाल है, पाकिस्तान के मैच इनके पूरे छक्के छुड़ाने। अरे धोनी कहाँ लग गया? ये अपनी पत्नी साक्षी से बात कर रहा होगा। अपना गांठ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, अलकस तोड़ रहे हैं। और इसी के साथ इनके साथ हफीज है जो कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है आज। और आफरीदी आज वैसे भी बहुत तगड़ी फॉर्म में लग रहे हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि बेईमाना करके अपनी फॉर्म दिखाई। और यहाँ मैं देख रहा हूँ, देखो कप्तान किस तरह से जिम्मेदारी से बुमराह को समझा रहे हैं। नहीं बोले भाई, विराट हमेशा अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं और यही उनकी खास बात है। तो पहला बार करेंगे काले बुमराह, तो बुमराह निकल चुके हैं बॉल लेके। और ये बॉल फेंकी और शायद आफरीदी ने टका दिया छक्का। शानदार छक्का और आफरीदी छुचेरापन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अरे इन बेईमानों पे छक्के लगवा रहा तू। अरे यार लूज बॉल डाल दिया ऐसा है, ओवर कर मार। ठीक छोड़ दे बिल्कुल, देखने के भी नहीं, ऐसे प्लेट नहीं हो। यहाँ पर फिर से काले बुमराह अपनी दूसरी गेंद लेके जाती और यहाँ पर बल्ला अड़ाकर दो रन लेने का प्रयास करती है अफरीदी, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। यहाँ पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अफरीदी जी को। हफीज ने बॉल पी ले और काले बुमराह की चौथी बॉल और गोल। बहुत ही अच्छी गेंद थी यहाँ पर, हमको बुमराह पे यही विश्वास थी और उन्होंने वो काम कर दिखाई। हम आपको बताते हैं, ये बुमराह बहुत अच्छा बॉलर होती, इन पाकिस्तानी बल्लेबाजों की वाट लगाती। अरे कौन है? कामरान अकमल आती। बस दीदी, तुम्हारे इंडिया में खाटो में खटमल होती। नहीं ये पाकिस्तानी प्लेयर अकमल होती। कुछ नहीं है, अकमल सकमल खटमल यही है बस इंडिया के। बहुत अच्छा खेलती, अब देखते कैसा खेलती। तो चलिए देखते हैं खटमल क्या करते हैं। काले बुमराह की बॉल है और खटमल सामने हैं, तो बॉल आई और यार
पैसे दे दूंगा। आउट है भाई साहब। क्या कर रहे हो तुम? और अफरीदी यहाँ पर गुस्से में चोर चोर लगती, और होने भी चाहिए, जब उन्होंने पहली गेंद पे छक्का लगाती तो दूसरा प्लेयर उनका क्यों नहीं साथ निभाती। माशाल्लाह यहाँ पर बाबर आजम खुद आती, कप्तान आती, क्या यहाँ पर पारी को संभाल पाती? इनके अभी शादी होती हम मुबारकबाद देती। तो इसकी बहू का नंबर हमें भी दे, हम भी देंगे मुबारकबाद। तुम बहुत बिगड़ेल बूढ़ा होती, तुम हमेशा इंडिया में लोगों की घरवालियों का नशे में रहती। गलत, हम तो लाउंडर हो जी, तुम अपने बहू का नंबर दे दो। ऐसा है, आपको यहाँ पर पैसे मिलती तो आप कमेंट्री करती, फालतू बाद में टाइम खराब नहीं करती, देखो मैच देखती। ठीक है। बाबर आजम जितने खूबसूरत है मुझे लगता है इनकी बीवी भी इतनी खूबसूरत होगी। फिर से टोक, तो ऐसे काम नहीं चलती, ओवर की समाप्ति। पावर प्ले का आखिरी ओवर होती है और अफरीदी स्ट्राइक पर आती और यहाँ पर छक्के चौकों की बरसात लगाती, गिरती पड़ती पर रन बनाती, और यही काबिलियत इस खिलाड़ी को महान बनाती। और यहाँ पर बहुत ही लंबी पार्टनरशिप होती, धोनी और कोहली के चेहरे पर टेंशन देखी जाती, और अभी क्यों ना जब 15 ओवर में 140 रन का स्कोर होती तो टेंशन तो होगी। और कैच उठा दिया। अनुष्का आई लव यू। अनुष्का के साथ मजाक में होने की बोलिए क्या? विराट कोहली अपनी जिम्मेदारी भूल गए, अनुष्का को याद कर रहे हैं। अरे धोनी भैया समझाओ, 165 रन हो लिए। अरे यार मेरा पहले ही दिमाग खराब हो रहा, क्या हुआ? एनी का साक्षी, दे मैसेज, दे मैसेज। तो उसे ब्लॉक करो, कम से कम इन्हें समझाओ मैच जीतना आयो। अभी एनी करना उस तो ब्याह करवा देंगे, हम करवा देंगे बाद में, पटा लीजिए आपको। बिल्कुल योवर कर लाइन के बॉल रखनी, एक दो अगर शॉट भी लग जाएगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पकड़िए, एक मिनट का ग्लव्स काट दिया। लाओ मेरी बात करो इससे। तेरे दिमाग में कमी है गुस्सा अक्सी, बाद में करिए। अरे ब्लॉक मारना इसे तू, ऐसे यार मैं वहां से तुम्हारा नंबर मांग रही। एक काम करो तुम, इसे ब्लॉक मारो, हां स्टेडियम में तुम्हारा नंबर मांग रही हूं, दे रहा मैं नंबर, कोई टेंशन नहीं है, शादी हम करवाओगे। आफरीदी 99 पे और काले बुमरे की बॉल, चलिए देखते हैं शतक होता है या नहीं। और ये 104 रन के साथ आफरीदी ने अपना शतक पूरा किया। भाई बहन की थैली क्या करने गई वहां? अस्तगफिरुल्लाह, ये बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पर जहालत होती है, बिल्कुल जहालत पर उतरती पाकिस्तान की टीम। इसे यहाँ बुलाना, यहाँ वाकई तुम भी बहुत जलील बूढ़ा होती। आफरीदी अपनी जिंदगी के पूरे मजे ले रहे हैं, मेरे से भी ज्यादा। काश आफरीदी की जगह में होता और मैं भी इस लुगाई से ऐसे ही मजे लेता, खुलेआम इसको नचाता। ओह आफरीदी के छक्के पर 100 रुपए हैं। आ दे का कुदोरा रखा बल्ला ग्रिजमा, का बल्ला ग्रिजमा, वो आ जा वहां, एम्पेन आउट दे दिया। हां ग्रिजमा रखा बल्ला, वहां चल एम्पेन, मैं तो नहीं जाता ग्रिज छोड़ के, मैं जाता ग्रिज छोड़ के भाई। हां भाई मान ना करो, अरे वहां चल, मैं जाता नहीं भाई, ग्रिजमा खड़ा मैं, मैंने भाई माना ले आ दिया। आउट है एम्पायर से, तेरी नहीं मानता है तो इंडिया का, और किसकी मानने का, मैं उसकी मानूंगा धड़े एम्पायर की। उसी से बोल दो, वैसे तो मोबाइल चला रहा हूं घंटा पता। हां रे अपने साहब क्या हो? अरे छक्का छक्का, ओ टुंडे तेरा तो चौका छक्का नहीं, आउट पूछ रहा है, उठाया नहीं, नॉट आउट है, नॉट आउट। चलो बॉल करो, बॉल बॉल बॉल, विराट बॉल क्या है, शतक मार कर भी। अरे कोई नहीं देख लेंगे, चार बार कर लेने से तो। कोई नहीं जाओ फील्डिंग जमाओ तुम, चलो कोई नहीं देख लेंगे तुझे। अरे चल धड़े से चल यार, हुद्दूस फुद्दूस यूं तो बिल्कुल बेईमान ना। हाँ अफरीदी कुछ ज्यादा ही बेईमाना करती इस मैच में, कुछ क्या जबता है वहाँ, जब तो बेईमान नहीं कर रहा तो उस गिरा था जी बेईमाना, बीच में 10 बार बेईमाना कर लिया ना। अफरीदी आज अपने पूरे रंग में नजर आती, पहले ओवर से लेकर 19वें ओवर तक चौके छक्के लगाती, और ये थे नीचे लगी बॉल, इतना भी पागल ना समझो। ठीक करा धोनी, जो बहुत देर पहले खुराक मांग रहा था, क्यों मारती? हमको गुस्सा आती, जुनून आती है। इट्स ओके, आप मैच देखती आखिरी ओवर का मजा लेती। अफरीदी के बाद बाबर आजम भी यहाँ पर पूरे रंग में नजर आती, चौके छक्के लगाती, लास्ट ओवर का पूरा फायदा उठाती और यहाँ पर 200 के पार स्कोर पहुंचाती। 20 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 201 रन होती, देखते हैं इंडिया क्या करती। रन तो मैंने बना दिया भाई मानना कर करके, लेकिन ये मैच जीतना में ईमानदारी तो ठीक है नहीं तो बस मेहनत पर लग जाओ। बॉलिंग हसन अली को दे दो। अरे रुक जा तू, सोएब आ रहा। सोएब? हाँ सोएब, सोएब शोएब कहाँ से आ गया यहाँ पे? बस रुक जा भाई, हमने बुलाया है? पहला वर्ल्ड लेकर शोएब अख्तर आती। मैं तो साफ बेईमाना कर रहा हूँ अफरीदी, इसे तो कदी का भगा दिया था मैच में था। नहीं इनका कमबैक होती यही आती आज। फर्स्ट ओवर तुम करोगे ठीक है, और स्पीड 250-300 से कम ना रखे हो ठीक है। चलो भाई चलो।
शाबाश। ओपनिंग में केएल राहुल और विराट कोहली खुद आए हैं। मुझे लगता है कि 10 ओवर में ही मैच जिताने का इरादा है विराट कोहली का। जैसे ही शोएब अख्तर आती कोहली से देखकर घबराती। अरे शोएब अख्तर कहाँ आ गया? धोनी भैया क्या हो गया यार? विराट शोएब अख्तर कहाँ से आ गया? अरे खेल ले यार, कूल कूल। कहाँ से खेल लो? तुम्हें खेल लो आगे। चल मैंने इधर खेलता फिर मैं उधर खेल लूंगा। विराट कोहली घबराती स्ट्राइक छोड़कर उधर जाती, उधर से केएल राहुल स्ट्राइक पर आती। देखते हैं शोएब अख्तर को कैसे खेल पाती। पहले ओवर की पहली बॉल और शोएब अख्तर फेंकते हुए बाउंड्री से भाग के आए। मुझे लगता है कि केला इस पे छक्का मारेगा, देखते हैं क्या होता है। और ये छाती फाड़ दी, बहुत ही गम की खबर है, केले की छाती फाड़ दी। विराट कोहली काफ़ी घबराए हुए नजर आ रहे हैं और धोनी को बुला रहे हैं। धोनी आए और पता नहीं क्या सूंघ रहे हैं, बदबू आई और उठाएंगे, चल दिए इनको। शोएब अख्तर की पहली गेंद पर बहुत बड़ी दुर्घटना घटती, केएल राहुल इंजर्ड होती, तो क्या कहना चाहोगे लाला जी, उठ पाएगी केएल राहुल? मुश्किल है भाई, पसलियां टूट गई। हम यही विश करते कि राहुल जल्दी से ठीक होती और यहाँ पर रोहित शर्मा आती, बहुत ही अच्छे प्लेयर होती, इस पारी को संभालती। रोहित शर्मा शोएब अख्तर की बॉल को टोक टोक करके जान बचाती और ओवर की समाप्ति। उमर हग्गू का ओवर और विराट कोहली स्ट्राइक पे। और यहाँ पर विराट कोहली भूत चटाती, छक्का चौका छक्का चौका छक्का चौका, बॉलर का बिल्कुल सुवर बनाती और स्कोर को यहाँ पर 100 के पार पहुँचाती। 100 रन की पार्टनरशिप में एक दूसरे से मिलते हुए आफरीदी बॉल लेकर आता हुआ और साफ गड़ा मारा और बॉल, बहुत खतरनाक बॉल मारा भाई, मारा फिर मैल कुद्दूस ईमानदार से तो बता, बट्टा मार रहा नहीं हो? नहीं, ये भट्टा नहीं होती, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का एक्शन होती, वो ऐसे बॉल करती है। एक्शन हो ले, मैं आलियास का ठोकू, धोनी को ठोको कैसा? धोनी बहुत बड़ा बल्लेबाज होती और हम उसका फैन होती, फंसना चाहिए नहीं तो हम ठोक देगा। धोनी आज बहुत खोखार लग रहे हैं, मुझे लगता है बहुत तकड़े खेलेंगे, बहुत फॉर्म में है। मैं क्या ड्रामा आया हूँ? धोनी टुक टुक करके अपनी नजरें जमाती हुई, लगता है एक लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है, तो क्या कहोगे लाला जी? मैं कहोगे क्या, टोटा टी कर रहा हूँ, 4 ओवर यूं काट दे, लास्ट बॉल पर रन लेकर बैठ जा। 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 110 रन होती और यहाँ पर मैच फंसती। अरे भाई साहब सुनो तो, हम थारे अग्गा हाथ जोड़ो, रन रन मार लो, 4 ओवर हो गए, तुम लास्ट पर सिंगल ले लो। अरे विराट कूल कूल को जा बोल, और इन्हें चटा नहीं धूल, ठीक है रन मारो। अरे भाई हिसाब उठना करिए, तुम भी ना पकड़ी हो, ये तो बॉल पी रहा। बढ़िया बॉल, बढ़िया बॉल, चलते रहो चलते रहो। ये शायद आप भी पागल है, कहीं छोड़ दिया। शाबाश धोनी, साक्षी को मेरा आई लव यू बोल देना। लाला जी मुझे लगता है अफरीदी पीछे से धोनी को कुछ बोलती। मैं कुछ भी बोलती है, लेकिन धोनी लाल पेड़ा, अलियर जी भी लाल पेड़ा हो लो ना, इंसान का स्वर बना दो। लाला जी सही कहती है, हमको भी धोनी गुस्से में नजर आती। और देखे पहली गेंद पर उठाती छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, लगातार 4 छक्के लगा। मैं भाई क्या कर रहे हो यार, एक मिनट दे रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? अरे अफरीदी भाई कैच भी तो तुमने छोड़ा है यार। भाई रन भी तो मैं नहीं बनाई भाई, मना कर कर का क्या करना है अब? अरे करना कुछ नहीं, तुम बॉल को थोड़ा वाइड सी फेंको, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आया मजा। ओ साक्षी के लोग मारूंगा, वहां गिरेगा बाउंड्री तो बाहर, बता मना ना साक्षी को पटाई। शायद अफरीदी ने टीम को समझा, देखते हैं कैसी बॉल फेंकते हैं अख्तर। हाँ मेरी तो टांग भी खराब है। अरे विराट कोई नहीं, कूल कूल, तेरे कूल के चक्कर में हम चट्टे में धूल। अरे कोई नहीं, मैच अगर जीत गया ना साक्षी देगी दोनों को फूल। अरे कुद्दूस भाई बहुत तगड़ा खेलना, कोहली ने मैच को एक तरफ कर दिया, इंडिया के पक्ष में कर दिया। मैं कहना चाहूंगा मोदी सरकार तो कि 11 के 11 फील्डिंग करवाओ, इसे ही खिलाओ। ओवर की समाप्ति। लास्ट ओवर में जीत के लिए 10 रन चाहती विराट कोहली, बहुत ही अच्छा खेल दिखाती, अकेले ही इस मैच को जिताती, लेकिन चहल पर स्ट्राइक आती, क्या चहल सिंगल दे पाती? मैं चहल 2 भी पियूंगा, तीसरी पर सिंगल दे दे, एक बॉल जितनी बचा देगा कोहली, 2 पे मार देगा।
तो देखते हैं बाबर आजम आखिरी ओवर किसको देती और कौन इस मैच का फैसला करती। हाँ भाई बताओ कैसे करना है, लास्ट ओवर है, बल्लेबाज भी कच्चा है, बताओ कैसे करना है, क्योंकि वो लास्ट बैटिंग है और उसमें बॉलिंग किससे कराओ? हसन अली से करा लो बॉलिंग। अरे हसन हुसैन को तो छोड़ दो, बॉल में कर रहा, आप करोगे? हाँ कीपरिंग पे बॉल ना, अच्छी बॉल ओप में डालनी है वो मिडिल पे। यार मुझे ना समझाओ यार, तुम कीपरिंग मजबूत कर लो, बाकी मेरा काम है। ठीक है नहीं ठीक है, तुम बड़े रखना है अपने प्रदर्शन। आखिरी ओवर अफरीदी लेकर आती है और चहल पर स्ट्राइक। आफरीदी मुझे सांप फट्टा मारते हुए नजर आ रहे, बिल्कुल बेईमान आदमी है। पीली एक और पीली, चार गेंद पीकर यहां पर चहल ने सिंगल लेने में कामयाब होती, लेकिन पूरा का पूरा गेम हमारी साइड आती, शाहिद बेईमाना भले करते मगर नहीं जीता था। और ये मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आती, एक गेंद में 8 रन चाहती, क्या विराट कोहली इस मैच को जिताती? भाई देख बहुत मुश्किल है, एक बॉल 8 रन हो, अगर वो नो ही फेंक दो तो अलग बात है, वैसे फेंकना का नहीं, इतना हराम का फील्ड टॉस फेंक देगा, शॉर्ट पिच फेंक देगा, लेकिन फिर भी देखती मेरा बंदे खजाने, हम देखती। और विराट कोहली यहाँ पर एक फंसे हुए मैच में कुछ भी कर लेकर छक्का लगा दे यहाँ पर तब भी नहीं जिता पाएंगे, बस ध्यान रखना होगा कि अफरीदी कोई गलत बॉल ना डाले, नो बॉल ना डाले। दौड़ना शुरू किया अफरीदी ने, विराट कोहली ने पूरे जोर लगाकर बॉल को जरूर उठाया, लेकिन नहीं जिता पाएंगे अगर छक्का भी होता है, लेकिन दौड़कर रन भी ले रहे हैं और बॉल बाउंड्री लाइन के पास 6 रन और पाकिस्तानी टीम जीत के जश्न में मशगूल। मैच टाई, दो रन भाग कर लिए, छक्का मारा, छक्का लगा, रन भाग को क्या हुआ, भाग का जुड़ेंगे रन, जब छक्का लगा रन क्यों जुड़ेंगे, रन जुड़ेंगे, रेफरी को बुलाओ, रेफरी से हां रेफरी नहीं। अरे क्या बात हो गई, एक्सक्यूज मी सर, सर चीटिंग कर रहे हैं, कौन कर रहा चीटिंग, ये क्या बात है भाई, रन भाग कर लिए, छक्का मारा सर, छक्का मार दिया, रन भी भाग कर ले रहे, क्यों भाग कर तुमने लिए, मतलब मैच टाई, तुंडे 1,00,000 कम दिए, मैच टाई होती कैसे, विराट कोहली नया नियम बनाती उसके तहत मैच टाई होती। अब सुपर ओवर होती, सुपर ओवर में मजा आती, इंडिया जिंदाबाद। सुपर ओवर में पहली गेंद डालने के लिए शोएब अख्तर तैयार, दौड़ना शुरू किया और पहली गेंद यहां पर हार्दिक पांड्या के सामने और पहली गेंद पर बोल्ड, पाकिस्तान का भी खुश नजर आ रही है और पांड्या से देख रहे हैं जैसे भैंस का लुहारा, धक्के दे के निकाला अफरीदी ने और इधर से आ रहे हैं धोनी, धोनी मुझे लगता है आज अच्छे से धोएंगे, बस ऐसा ना हो कि टुक टुक करके 4 ओवर निकाल देते हैं, 4 बॉल निकाल दें। चलिए फिर से शोएब अख्तर निकले और बॉल फेंकी, फिर से टुक किया लेकिन सिंगल ले लिया और स्ट्राइक मिलता है, विराट कोहली ने 4 छक्के लगाकर टीम इंडिया को कर दिया है मजबूत स्थिति में। अब पाकिस्तान को जीतने के लिए बनाने हैं 1 ओवर में 25 रन। बाबर आजम और अफरीदी आए हैं ओपनिंग में, देखते हैं क्या होता है, और बाबर आजम आफरीदी को कुछ समझा रहे हैं और ये समझ भी रहे हैं, अब इनकी बात वैसे ये मानते नहीं थे, मैंने पता किया है मैच ही मैच में कि ये आफरीदी का चक्कर बाबर आजम की भाव से चल रहा है, तो देखते हैं, बस दुआ कीजिएगा आफरीदी के माइंड में बाबर आजम की भाव ना रहे तो बेटर रहेगा, छक्के रहे और समी निकले बॉल लेकर और देखने लायक शॉट, चौका, अरे बड़े मुस्कुरा रहे हैं एम्पायर जी, और फिर से छक्का, तीसरी बॉल को टच किया और सिंगल लेने की कोशिश की लेकिन दो ले लिए, बहुत अच्छा, 3 बॉल पे 12 रन और चौथी गेंद पर फिर से 4 रन के लिए, पांचवी गेंद और इसको उठा दिया है 6 रन के लिए, आखिरी बॉल बची है मैच की जिस पर पाकिस्तान को जीत के लिए 4 रन और बराबरी के लिए 3 रन की दरकार, देखना होगा विराट कोहली कप्तान समझाते हुए अपने बॉलर को, वहां पर धोनी भी आए हैं, शायद कोई डिस्कस होगी, लंबी डिस्कस होगी किस तरह की बॉल डालनी है, इधर अफरीदी भी चारों साइड देख रहे हैं टेंशन में, बॉलर भी और बल्लेबाज भी, आखिरी बॉल पर क्या होगा, इस मैच का फैसला आखिरी बॉल पर होगा, देखना होगा कि किसके पाले में मैच जाता है। मोहम्मद शमी ने दौड़ना शुरू किया और अफरीदी ने उठा दिया है इस बॉल को, क्यों नाच रहे भाई, पाकिस्तानी हो तुम क्यों नाच रहे भाई साहब, हम जानबूझ कर रहे,
क्यों इंग्लिश बोलनी पड़ती? हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब? तो दोस्तों इस वीडियो में ना हमने बहुत तगड़ी गलती करी है, शुरू की 4:20 में स्टार्टिंग की। तो जो भी उस गलती को पकड़ेगा ना, वो कमेंट में हैशटैग आसिफ गौर करके कमेंट करे, और जो उस गलती को पकड़ेंगे स्टार्टिंग के 20 लोग, हम उन्हें स्पेशल दावत देने वाले अपने पास बुला के। तो जाओ और जल्दी से दोबारा वीडियो देखो, गलती जरूर पकड़ो और हैशटैग आसिफ गौर करके कमेंट करो। और हाँ दोस्तों, 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने वाला, इस वीडियो को सबके पास भेज दोस्तों, पहले पहले शेयर कर दो यार, बहुत मेहनत लगी। और दूसरी चीज़, ये वीडियो सिर्फ आपको हंसाने के लिए बनाई गई है, किसी की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है इस वीडियो का। तो वीडियो को वीडियो के तरीके से देखो, कोई पर्सनल लाइफ पे डिपेंड ना करो। और वीडियो जय हिंद, कर दो जय भारत।